हाय बच्चों, कैसे हो बेटा? कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के चार रूल को मार भगाया था, और हमें समझ आ गए होंगे ना आप सबको बेटा? शायद मैंने कहा था आप लोगों को फिजिक्स बहुत इजी है, समझ आ रही है ना सबको? कोई भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है बेटा? चलो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए डिफरेंशिएशन रूल नंबर 5। कल हमने जो डिस्कस करा था उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट बेसिक रूल बताया था कि कोई फंक्शन है तो उसमें क्या रूल था, पावर को आगे ले और पावर में से एक माइनस कर दो, और फिर पावर के अंदर जो है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट रूल है आप लोगों का यू बाई वी रूल। इस रूल का नाम क्या है बेटा? यू बाई वी रूल, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, यू को इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब जब हमारे पास कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है माय गाइस? देखिए बेटा इसका रूल क्या है, पहले डिनोमिनेटर का स्केयर कर दो, ठीक है? फिर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसको एज इट इज लिख दो, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया। डिनोमिनेटर क्या था हमारा, वी, पी का क्या कर दिया, स्केयर, ठीक है? फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके बच्चों देखो फिर से, यू बाई वी रूल क्या है आपका, डिनोमिनेटर का स्केयर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख दो, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, जैसा कि आपने यहां करा। यू बाई वी कोई फंक्शन था आपके पास, आपने उसका क्या करा, स्केयर करा, ठीक है बेटा? अब वी एज इट इज, फिर आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये यू है बेटा। मैडम आपने तो बड़ी गलती कर दी, एक्स लिख दिया भाई, गलती मैं भी इंसान हो जाती, कोई बात नहीं। तो जो न्यूमरेटर क्या है आपका, एक्स यू, तो डी यू बाई डी एक्स, ओके बेटा, माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है? तो इस तरह से हम इस रूल का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास पहला रूल बना यू बाई वी रूल, इस रूल को क्या नाम देते हैं आप लोग, यू बाई वी रूल, ठीक है? एक बार मैं सारे रूल एक बार लिखती हूँ और उसके बाद हम इस पे बेस्ड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट रूल क्या था कि y बराबर 2 या y बराबर c, कोई c यहाँ पे कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज जीरो, पहला रूल। दूसरा रूल क्या पढ़ा था, अगर y बराबर x की पावर n कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, तो डी एक्स बाई डी एक्स। रूल नंबर 3, अगर कोई फंक्शन यू प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स। ऐसे कैसे कर दोगे मैम, कर देंगे भाई, रूल है। फोर, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास एफ इज इक्वल टू यू वी या वाई इज इक्वल टू यू वी, इसको बोलते हैं यू वी रूल, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, मैंने कहा पहले का एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 5 वो था आपका यू बाई वी रूल जो मैंने अभी डिस्कस करा बेटा। अब ये रूल क्या बना, ये न्यूमरेटर
और ये आपका डिनोमिनेटर। तो क्या बताया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 5 था। अब ये सारे रूल मिक्स लगेंगे, सारे क्वेश्चंस पे मिक्स हो जाएंगे बेटा आपस में, ठीक है, और मिक्स होके हम इनको क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, अप्लाई। अब देखो, इन रूल्स से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल बनते हैं हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल और भी होते हैं अलग से, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज मैं इन 5 रूल पे बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर रही हूं अभी। ओके गाइस, देखो बेटा, अरे मैडम फिजिक्स तो इजी लगने लग गई, समझ आ रहा है? अरे ना भाई, नहीं आए तो भाई डांटना मत मुझे। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है 1/x, y बराबर क्या है 1/x, कोई फंक्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन पे आप दोनों रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सिंपल फर्स्ट बेसिक रूल भी लगा सकते हैं और यूवी रूल से भी। देखो दोनों ही रूल से आंसर सेम आएगा, मैं करके बताती हूँ। देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, डिफरेंशिएशन वही करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है बेटा। ओके, ये तो हम समझने के लिए जनरली x मान लेते हैं, बाकी a b c d का कोई भी अक्षर आपको गिवन हो सकता है डेरिवेशंस में। तो क्या बना, d by dx, ऑपरेटर कल बताया था, ऑपरेटर क्या होता है डिफरेंशिएशन का, d by dx। ठीक है, क्या बना, d by dx 1/x। ठीक है, तो ये देखो इसको न्यूमरेटर कह दो, इसको क्या कह दो, डिनोमिनेटर। पहले रूल से करते हैं, मेथड फर्स्ट, मेथड मीठी है छोड़ी फर्स्ट। ओके बेटा, देखो मेथड फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, इसका स्क्वायर, पहले क्या बताया था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए नेक्स्ट, यहां से एक्स वन कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट, और पहले बता चुकी हूं कौन से टर्म का डिफरेंशिएशन, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो बेटा। ठीक है, माइनस डीएक्स बाई डीएक्स, बाई एक्स का स्क्वायर, क्या बना बेटा आपका ये, माइनस 1/x का स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, देखो इस dy by dx की वैल्यू मिल गई आपको, ये dy by dx, y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, y चेंज हो रहा है भाई x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या है, था फंक्शन y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy by dx की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है, माइनस 1/x का स्क्वायर, समझ आया। अब देखो मेथड नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूल से करते हैं, सेकंड रूल से, मेथड सेकंड। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप कोई भी रूल लगा सकते हो, ठीक है, वो किसी भी रूल से सॉल्व हो जाएगा, वो आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो समझ आ जाएगी वो बातें। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी ना, 1/x को x की पावर माइनस 1, बेसिक्स का क्वेश्चन है 10th का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा भाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना dy by dx, तो d by dx x की पावर माइनस 1, तो पावर को आगे लियो, पावर को क्या लियो, आगे, तो पावर क्या है आपकी बार माइनस 1 है, बाकी पावर क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 आगे आएगा। ठीक है, और पावर में से घटाएंगे तो माइनस 1 में से माइनस 1 आप घटाएंगे। ठीक है, और फिर ये अंदर वाले पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे,
अंदर क्या है, डी एक्स बाई डी एक्स। तो आंसर क्या मिला बेटा, 1 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 इंटू 1। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, माइनस 1 बाई एक्स की लिख सकते हो ना। तो देखो इस रूल से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें यू बाई वी रूल से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, किसी में यू वी से ही सोल्व हो जाएगा, किसी में सिंपल बेसिक रूल से ही सोल्व हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आ जाएगा कि इजी कौन सा मेथड है, कौन सा लगाए आप अब यहाँ पे। ओके गाइज, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लिया आपकी बार आपके पास ये क्वेश्चन है, 1 upon x की पावर 6। तो इसको मैं आगे ऐसे लिख सकती हूँ, अब सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें क्या बनेगा, x की पावर माइनस 6 लिख सकती हूँ मैं इसको। बेसिक रूल वही रहेगा, पावर को आगे ले आओ, पावर माइनस 6 को आगे लिया है, माइनस 6 में से 1 घटा दो, फिर जो ये अंदर बच गया पावर के, अब जो पावर के अंदर बच गया अब तू क्या जाएगा भाई, इसमें लगा देते ऑपरेटर। तो डी एक्स बाई डी एक्स, तो क्या बचा बेटा, माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 7, माइनस 6 बाई एक्स की पावर 7, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आया। ओके बेटा समझ आया ये क्वेश्चन। अब देखो इसी को यू बाई वी से एक बार इस क्वेश्चन को और कर देती हूँ, यू बाई वी से। देखो अगर हम यहाँ लगाते हैं यू बाई वी, तो यू बाई वी क्या था आपका, यू बाई वी रूल, न्यूमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। देखो अगर इसमें यहाँ एक तरीके से देखो तो ये यू वी ही बन रहा है याद रखने के लिए, यू वी रूल जैसे करते थे कि पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, बस इसमें माइनस आ जाएगा बीच में यहाँ। तो एक पहले u का करेंगे, फिर यहाँ पे बस ये याद रखना, पर डिनोमिनेटर पहले आएगा एज इट इज, फिर पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का, ठीक है, फिर किसका डिफरेंशिएशन करते हैं आपके डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर आपका एज इट इज। ये इसी सीरीज ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हो, इसको 1 by x की पावर 6 है, तो ये बना u, ये बना v, ये बना न्यूमरेटर, ये बना डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो कर लेते हैं dy by dx, क्या बना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 तो कांस्टेंट है, ये पहले ही बता चुकी है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो क्या बन जाएगा, ये तो ये फैक्टर 0 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा -1, ये 0 -1, इसमें पावर को आगे लिया हो, पावर में से घटा दो, पावर को आगे लाए 6, पावर में से घटाया 6 -1, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाएंगे, तो dx/dx/x12, क्या बचा बेटा आपका, ये 0 माइनस, ये भाई 1 है, 16 मत समझ लेना, तो 6 x की पावर 5, ठीक है, divided by x की पावर 12, ये dx/dx 1 बन जाएगा आपका, तो -6, ये नीचे जाएगा तो माइनस, तो 12 में से 5 गए 7, आंसर क्या आ गया, 7। अरे ये नीचे जाएगा, मैं इसको उल्टा लिया, एक ही बात है, कर दू क्या, फिर कर दू, -6, तो x की पावर 5 -12, ये x की पावर 12 ऊपर जाएगा, तो सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो देखो ये बेस सेम बन गया ना, x क्या बन गया, -6 x की पावर 7। बताओ बच्चों समझ आया बेटा, बताओ क्लियर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा मैं रूट को। तो बेसिक रूल, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, डी एक्स बाई डी टी। तो क्या बना बेटा, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक ऐसे लिख दिया मैडम, एक्स के रिस्पेक्ट में कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा, 1। क्या बना बेटा आपका, 1/2 एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स की पावर माइनस 1/2 है ना, जैसे लिख सकते हैं 1/2 नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। बोलो समझ आया? अरे बता दो समझ आ गया क्या, आ गया ना। चलो तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 4x³ - 3x² 4x³, यही आपका क्वेश्चन। अब इसका कैसे करें, देखो जब ऐसे क्वेश्चन जब कांस्टेंट इसी वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी आ रहा हो, जैसे x वेरिएबल है और इसके साथ क्या आ रहा है कांस्टेंट, तो देखो डायरेक्ट जब करेंगे बेटा तब तो आप लोग ध्यान रखना कि उसका बाहर निकाल देना उसको डिफरेंशिएशन से। कांस्टेंट टर्म को कहां लिख दोगे, बाहर। अब क्यों लिख देंगे वो भी मैं बता देती हूँ। देखो इसको मान लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए यू, इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेती हूँ वी। अब मैं बताऊंगी आपको यू वी रूल, बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। यू वी रूल कहता है पहले इसके बाल काटो, पहले इसको एज इट इज बैठा दो भाई, पहले इसके बाल काटो। वी बड़े भैया है तो बड़े भैया के बाल काटो, ठीक है। अब वो कहता है कि वी बड़े भैया के कट गए, इसको बैठा दो, अब छोटे भैया के बाल काट दो। बाल काटने का मतलब ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर क्या है हमारा, डी वाई डी एक्स। ऑपरेटर लगा दिया दोनों में बारी बारी। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना बेटा, 4 को एज इट इज लिख दो, यू एज इट इज, ठीक है। ऑपरेटर लगाओ किस पे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर क्यूब पे, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब को एज इट इज बैठा दो। अब ऑपरेटर लगाओ डी बाई डी एक्स इंटू 4 पे। तो देखो 4 इसका रूल वही है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो और फिर इस अंदर वाले पे ऑपरेटर लगा दो। अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाएंगे अब क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, ओके बेटा, प्लस एक्स क्यूब। अब 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पहली क्लास में भी इसको 4 ही पढ़ती थी, आज भी 4 ही पढ़ती हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए डिफरेंशिएशन इसका हमेशा क्या हो जाएगा, 0। जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 0, ओके गाइस। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया, 0। तो क्या मिला आपको, 4 4 × 3 4 × 3 = 12 12x² और ये बन गया भाई 1। तो आंसर क्या है आपका, dy/dx, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन था जब हमने इतना डिटेल में पढ़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन देखो अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट रूम में कर लेंगे, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल शॉर्ट में सीधा लिखेंगे। देखो इसी को इधर ऐसे लिखते हैं, y = 4x³ है, इसको ऐसे लिख लो dy/dx। तो देखो 4 मैं कह रही थी जब कांस्टेंट साथ हो ना वेरिएबल के, तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लो पहले। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते भी हैं यू वी रूल से तो हमेशा क्या हो जाना है, 0, ठीक है। और 0 के प्लस में कुछ लिखो या मत लिखो, मैं आवारा प्लस 0 लिखूं तो क्या पड़ेगा, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो 0 को प्लस करो या मत करो, ठीक है बेटा। तो देखो क्या बना, dy/dx, तो 4 को बाहर लिख दो, ऑपरेटर लगा दो, d/dx x³ 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, ठीक है। फिर अंदर वाले का
लूंगी 12x का स्क्वायर, ठीक है। या हम सीधा ही कह देंगे कुछ दिन बाद तो हम ऐसे हो जाएंगे, सीधा कहेंगे 12x स्क्वायर, क्योंकि पावर को आगे लाए एक पावर कम कर दी, हो गया सीधा क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग है, थोड़ा आपको डिटेल में समझाना है क्योंकि मैं आप लोगों को अभी वैसे समझा रही हूँ ना, इसलिए। ओके गाइस, समझ आया बेटा इतना? अरे आ गया क्या समझ में भाई, बता दो। हेलो बेटा बता दो ना, आ गया ना, आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वन अपॉन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वन x क्यूब प्लस वन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें, ये तो बहुत मुश्किल दे दिया मैडम आपने, ये तो हमें पढ़ा भी नहीं है, हम कैसे करेंगे, अब तो रोने लग जाएंगे। नहीं नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, रो मत आ जाएगा, देखो इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे, dy by पहले ऑपरेटर वाइज आपको लगा दो, ऑपरेटर वाइज आप क्या dy dx ना, इधर भी लगा दो ऑपरेटर वाइज आपको, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वन x क्यूब प्लस वन, ओके बेटा। अब देखो ये बना हमारा u भाई साहब, ये बना हमारा v भाई साहब, तो कौन सा रूल लगेगा अब यहाँ पे, u बाई v रूल, कौन सा रूल लगेगा, u बाई v रूल। और u बाई v रूल अभी पढ़ा है, क्या था, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये भाई साहब रूल पढ़ा है आपने, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते लिखा था ना अभी मैंने, कि v का स्क्वायर v एज इट इज du by dx माइनस u एज इट इज dv by dx, ये बढ़ा है ना बेटा अभी हमने, ठीक है। तो इस रूल को यहाँ फॉलो करवाएंगे अभी, ओके बेटा। देखो तो कैसे करेंगे, पहले इसका क्यूब कर दो, एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वन एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, ये माइनस याद रखना सबके बाहर होता है बेटा इसका याद रखना, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वन। देखो अलग से करके बता देती हूँ, ऊपर मान लिया छोटा सा, देखो नोट डाल देना या नोट डाल लो छोटा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपका एक्स क्यूब प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करना अलग से, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, जैसे एफ लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए इसको मैं, एफ तो डी एफ बाई डी एक्स क्या बना, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वन, क्या बना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो। पहले मैंने क्या बताया था, यू प्लस वी रूल बताया था ना पीछे, एक्स क्यूब पे लगाएंगे ऑपरेटर को, फिर ऑपरेटर को किस पे लगाएंगे, वन पे, ओके बेटा। तो क्या बनेगा ये, तो देखो पावर को आगे लाओ, पावर में से घटा दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर बन गया, और वन का क्या बना, जीरो। अरे फिर इसका अंदर वाले पे लगाओगे तो वन हो जाना ना उसी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये क्या बना आपका, थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो अलग से एक क्वेश्चन बना दे, पहले मैंने मान लिया एक्स क्यूब प्लस वन का करना आपको, फंक्शन ये है, दोनों साइड ऑपरेटर लगाओगे तो यू प्लस वी वाला ही रूल आप फॉलो करेंगे, तो आप करेंगे एक्स क्यूब का, ठीक है, और फिर करेंगे वन का, वन एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसका क्या बन जाएगा, पावर को आगे लिया और पावर में से घटा दो, और फिर पावर के अंदर क्या लगा दो, ऑपरेटर लगा दो, तो ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी करना तो वही है, बस थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, क्या बना, एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री एज इट इज, फिर इस पे ऑपरेटर लगाओ, ऐसे करो डी बाई डी एक्स में खोल रही हूं पूरा, इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वन,
इसको पहले इस पे लगाया फिर इस पे लगाया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसा था वैसा ही लिख दिया। इसका डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को लगाओ पहले, इसको ऐसे लिख लो यहां, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वन, ठीक है भाई। अब इसको देखो मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ यहां से, ये भी हटा देती हूँ। अब देखो इसको यहां देखो इधर, ये क्या बना, एक्स क्यूब प्लस वन दिख तो रहा ना यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वन। इसका देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, पावर को आगे लिया, पावर में से एक घटा दो, पावर को आगे लिया है दो में से एक को घटा दिया, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाएंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इस पूरे के भी बाई ब्रैकेट लगा दो एक और, ठीक है। तो ये बना आपका, स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को आगे लिया, पावर में से घटा दो, थ्री एक्स का स्क्वायर, पावर को आगे लिया और पावर में से घटा दो, फिर अंदर वाले पे पावर के अंदर जो बचा उस पे ऑपरेटर लगाओ, डी एक्स बाई डी एक्स। देखो ये बेटा मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, क्योंकि कई बार इसे टी होता तो लिखना पड़ता ना डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये आप लोगों को जब ये हो जाए कि वन बन रहा है तो आप नहीं भी लिखो अपनी मर्जी से, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि कुछ भी कंडीशन हो आपको एक वर्ड याद रहे कि अंदर वाले का भी ऊपर हमें ऑपरेटर लगाना होता है। वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है, ये आपका कंडीशन बनी। अब देखो यहां से देखिए क्या बना, ये एक्स क्यूब प्लस वन तो बना टू एक्स बना, ये वन ही बना, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है आपका इधर देखो, ये थ्री एक्स का स्क्वायर बनाइए। अब इसको सोल्व करो, नीचे जो भी है भाई, नीचे जो है वो रखा लिखा जाएगा, नीचे क्या आया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जो नीचे जो आया हुआ है उसको हम लिखेंगे, आगे देखिए एक्स क्यूब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x को 3x, x क्यूब से करोगे तो क्या बनेगा, 2x की पावर 4 प्लस 2x, माइनस इसको अंदर करो 3x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बना, 2x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 3x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये क्या आया आपका, इसको सोल्व करो, देखो माइनस के थ्री एक्स की पावर फोर में से प्लस के टू एक्स की पावर फोर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स की पावर फोर, ठीक है, ये माइनस का थ्री एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का टू एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आगे मॉडिफाई करना चाहो, एक्स क्यूब को एक्स को कॉमन लेना चाहो वो ले सकते हो, पर आपका सॉल्यूशन यहाँ तक आ चुका ही है, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, यू और वी रूल लगाना है, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ना समझ आए एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, समझ आ जाएगा फिर भी ना आए तो मेरे को कॉल कर लेना, ओके। देखिए नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपकी जैसे बुक्स में किसी बच्चे को दे रखे होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा कोस थीटा इनके रूल अलग से हैं, वो मैं आगे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास है 4x क्यूब
कैलकुलेटर लगाओ, 4x³ पे dy/dx 3 पे ऑपरेटर लगाओ। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उस 4 को इससे बाहर ही लिख दिया करो, क्योंकि अगर आप uv रूल से करोगे तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए ना, 0। इसलिए इसको जैसे इसको u मान लो, इसको भी uv रूल से अभी करा था पीछे हमने, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या बन जाए ना, 0। इसलिए जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ही लिख दिया करो। तो मैं बाहर लिख दूं इसको dy/dx x³, इसका 0 बन गया, कांस्टेंट है ना 3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 4 इसका ले आओ बेटा आगे, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, फिर इस अंदर वाले पे लगा दो ऑपरेटर। क्या लगाना है? ऑपरेटर। क्या बना? 4 3x² और 4 3 12, तो आंसर क्या मिला? 12x² समझ आया? तो हम इस तरह के फैक्टर्स का इस तरह से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन अभी आपका 4x³ - 3, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दे रही हूँ, 3x² + 4y² - 8। ये क्या दे दिया मैडम आपने, ये तो हमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं जिंदा बाद हूँ, आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपके पास y कोई फंक्शन, डिफरेंशिएशन करिए dy/dx लगा दो, सब पे अलग अलग ऑपरेटर लगा दो, 4 कांस्टेंट है बता चुकी हूँ, इसको पहले ही ऑपरेटर से बाहर लिख लिया करो, ठीक है। तो dy/dx, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर इसका uv रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0। फिर से देखो एक बार, देखो यहाँ पे y बराबर मान लिया 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x² है, तो dy/dx, इसको u कह दो इसको v कह दो, तो पहले 2 को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस x² एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2, तो ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये कितना है 2, इसका करोगे तो पावर को आगे लिया, पावर में से घटा दो, फिर dx/dx अंदर वाले पे लगाएंगे ना, ठीक है। क्या बना? 4x। इसलिए क्या कहते हो ये वाली चीज, क्योंकि अगर इसका करेंगे तो अभी ये क्या बन जाना है, 0, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उसको पहले ही डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दो। ओके गाइस, तो क्या बना? x³ - 3 d/dx x² ठीक है, प्लस 4 d/dx, इसको मैंने बताया या तो u/v रूल लगा लो या यहीं पे लिख लो इसको ऐसे x²-2, 1/x² को क्या लिख सकते हो, x²-2 माइनस का dy/dx × 8। तो चलते हैं अब इसका क्या हो जाएगा, 4 पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है, फिर इसके अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाएंगे dx/dx, ठीक है, माइनस, जैसे मैं x की वजह t ले लूँ, सपोज यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, t, मैं कह देती हूँ आप डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। मैं t जानबूझ के ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें लगेगा हर क्वेश्चन में मैं x ही ले रही हूँ, जैसे मैंने t ले ली, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t। देखो अब समझ आया, अगर ये एक्स टी के साथ वेरिएबल है, जैसा कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या होता है स्पीड ना, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम लिख देंगे dx/dt, अगर नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, समझ आ गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि पावर के अंदर वाले पे फिर लगाओ ऑपरेटर, वो कहीं वन बन रहा है तो अच्छी बात है, वन नहीं बना कहीं ऐसी सिचुएशन आए तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए -3, इसका करेंगे पावर को आगे लिया और पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाओ, तो dx/dt, ठीक है, प्लस इसको देखो आगे
ये प्लस आपका क्या बना, फोर पावर को आगे ले आओ, माइनस टू की पावर को आगे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाओ। अंदर क्या है एक्स, एक्स पे फिर ऑपरेटर लगाओ, क्या बना डीएक्स बाई डीटी, डीएक्स बाई डीटी। और एट क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ऑलवेज, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। क्या बना ये इधर देखो, क्या लिख सकते हैं इसको, ये बना फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर डीएक्स बाई डीटी माइनस सिक्स एक्स डीएक्स बाई डीटी प्लस, देखो ये फोर टू से मल्टीप्लाई होगा बेटा आठ आ जाएगा एट एक्स की पावर माइनस थ्री डीएक्स बाई डीटी, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया इस तरीके से क्या करना, हमें डिफरेंशिएशन करना है इन कुछ फैक्टर्स का। ठीक है एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरीके का, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इसी तरीके का क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कोई फंक्शन है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसका करिए क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना बेटा थ्री, मैंने कहा था कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दो, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी बाहर लिख लो इनटू एक्स क्या बना थ्री, पावर को आगे ले आओ पावर में से एक माइनस कर दो फिर इस पावर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाओ। ठीक है गाइस प्लस टू डी एक्स बाई डी एक्स क्या बना सिक्स एक्स, ये वन बन गया प्लस टू, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। ठीक है तो इस तरीके से हमें देखना है कि कहीं यू बाई वी रूल लग रहा है तो यू बाई वी रूल लगाएंगे। ये मिक्स क्वेश्चन करवा दिए मैंने, चार पांच रूल के जितने भी मिक्स क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए यहाँ पे। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे वाई कोई फंक्शन है बराबर है रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स के, ठीक है तो यहां पे भी देखो बेटा दोनों सिचुएशन लगा सकते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे लिख लूं एक्स की पावर वन बाई टू ये माइनस वन बाई एक्स की पावर वन बाई टू है, इसको पहले सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस इसको ऐसे लिख दूं एक्स की पावर माइनस वन बाई टू भी तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको, या फिर मैं यू बाई वी रूल लगाऊंगी ऊपर यू नीचे वी आंसर सेम आएगा, पर मैं इस तरह सिंप्लीफाई कर लेती हूँ इसको। अब ऑपरेटर लगा देते हैं इस पे भी डी बाई डी एक्स, कि ये क्वेश्चन में मैं सब यही मान रही हूँ कि डिफरेंशिएशन करना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है इधर भी ऑपरेटर लगा दो सारे पे, अब सब पे अलग अलग लगा दो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है तो ये क्या बनेगा आपका यहां से, डी बाई रूल क्या है पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है माइनस फिर अंदर वाले पे लगा दो, पावर के अंदर एक्स है ना एक्स पे लगा दो ऑपरेट डी एक्स बाई डी एक्स माइनस पावर को आगे ले आओ, पावर क्या माइनस का वन बाई टू पावर में से एक घटा दो माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या बना वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन क्या बचा माइनस का वन बाई टू, ये वन बन गया माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स की पावर माइनस का थ्री बाई टू। ठीक है ये वन बाई टू दोनों में बाहर ले लो, क्या बचा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, ये क्या आ गया आपका आंसर। देखो एक बार दो मिनट ध्यान से क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व करा,
आपको देख लिया ना। अब देखो आगे, चलो देखो आगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 6 by √x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसको u by uv रूल से कर लो। इस बार इसको u मान लो, उसको v मान लो, ठीक है। बाकी इसको सिंपल भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर पावर को ले जाओ, फिर सिंपल रूल से कर लो। तो u by v रूल से करोगे तो dy/dx, तो क्या करेंगे, √x का स्क्वायर, √x एज इट इज dy/dx ऑफ 6 माइनस 6 एज इट इज dy/dx ऑफ x की पावर 1/2, √x, √x को 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये बना √x, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 0 माइनस 6, इसका पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, तो dx/dx क्या बना, ये x, √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो -6, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करना आपको 1/2 से, ये मल्टीप्लाई होगा x की पावर -1/2 से, क्योंकि देखो भाई 1/2 - 1 एलसीएम ले वो 2, 1 - 2 क्या मिला, माइनस का 1/2 ही तो मिलेगा, ठीक है। dx/dx 1 हो गया / x, तो क्या आया, ये 2 से कैंसिल, कितना बन गया माइनस का 3x * x की पावर -1/2। इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आगे, देखो इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, -3/3 x की पावर -1/2, ये x ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये बना x की पावर -1, ये बना -3। सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, एक रूल पढ़ा होगा, सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इसमें कहो x की पावर 1 x की पावर 2, तो क्या ले सकते हैं x की पावर 1 + 2, तो क्या बन गया, x³ बन गया ना ये, क्योंकि सेम बेस था, x ही बेस था दोनों का, इसलिए पावर ऐड हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी x, यहाँ भी तो पावर ऐड हो जाएगी, -1/2 - 1, तो क्या बनाइए -3, तो भाई -1/2 - 1 को क्या लिख सकते हो, 2 - 1 - 2, कितना बनेगा x की पावर -3/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, dy/dx का। बताओ बच्चे समझ आया ये आपको, तो सिंपल डिफरेंशिएशन के रूल में मिक्स, चार जो रूल, पांच रूल जो मैंने पढ़ाए, उन पांच रूल्स को मैं मिक्स करके क्वेश्चन करवा रही हूँ आपके, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास है 1/(x+2), एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है 1/(x+2), तो इसमें हम u/v रूल भी लगा सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। तो देखो तुम बताओ किसे करें, यूवी से करें या u/v रूल से करें, सिंपल से करेंगे, सिंपल से इजी पड़ जाएगा ये, तो क्या लिख सकते हैं, चलो पहले सिंपल ऐसे करते हैं, x+2 का करते हैं, x+2 का अगर सिंपल दे रखा हो ऐसे तो कैसे करेंगे, dy/dx x+2 दोनों पे ऑपरेटर लगाओ, dx/dx + d/dx * 2, ये 1 बन गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या है 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इस किसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/(x+2), तो फिर कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो, दोनों रूल से बता देती हूँ, पहले बात कर लेते हैं u/v से, ठीक है, तो x+2 का स्क्वायर x + 2 as it is d/dx/(1 - v as it is, v क्या है हमारा u as it is था यहाँ पे इसका, हाँ फिर आएगा हमारा 1 as it is d/dx (differentiation of denominator x + 2), तो करिए x + 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, माइनस d/dx, इसका अलग अलग अप्लाई कर लो, dx/dx
प्लस डी बाई डी एक्स इंटू टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, क्या बना बेटा ये तो जीरो, ये क्या बना माइनस का वन, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, समझ आया। तो इस तरह से हमें कुछ टर्म्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके बच्चे, इनकी प्रैक्टिस करना इन पांच रूल की, जो ना समझ आए डिस्कस मी नेक्स्ट लेक्चर, बाय।